भगवान वाल्मीकि जी ने पूछे है कि संसार विच हर व्यक्ति अपने आप नु श्रेष्ठ समझदा है। हर कहिंदा मैं श्रेष्ठ है। फिर वाल्मीकि महाराज लिखते ने, मैं श्रेष्ठ हूँ ये अच्छी बात है, अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। कहिंदे मैं श्रेष्ठ है ये अच्छी गल है, अपने ते माण होना चाहिए। मैं श्रेष्ठ हूँ जी अच्छी बात है, मगर मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये हंकार। कहिंदे किसी लगता मैं श्रेष्ठ है तो यह चंगी गल है, जे किसी लगता सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ है तो यह अहंकार है। इहदे तों मुक्त होने की गल नूं निर्वाण कहिंदे है। इहदे तों मुक्त होना, नम्रता च रहना। वाल्मीकि महाराज जी की लिखते ने, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। उन्होंने सेवादार ने वाल्मीकि महाराज जी ने पूछा कि पिता जी संसार का स्वभाव तो कुछ होर है, तुसी कृपा करके संसार का स्वभाव दसो, क्योंकि संसार दे विच अपने स्वभाव बने अपनियां भावनां में। बड़ी प्यारी उन्होंने एक कथा लिखी है तुहाडे सारयां दे सामने, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। राजा आनंद ने वाल्मीकि महाराज जी ने पूछा है कि पिता जी संसार का स्वभाव बताएं। स्वभाव हुण वाल्मीकि महाराज जी कहिंदे संसार का स्वभाव तुहाडे सामने ही है, कुछ लुकिया नहीं है, सब कुछ तुहाडे सामने है। पर फिर भी राजा आनंद कहिंदे पिता जी संसार का स्वभाव बताओ। हुण वाल्मीकि महाराज जी कहिंदे संसार का स्वभाव पता की है? संसार का स्वभाव ध्यान ना सुनियो जी, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। संसार का स्वभाव, एक दुनियावी गल छोटी जी विच दसन लगा। संसार का स्वभाव पता की है? जो साडे घर च किसी की मृत्यु होंदी है, असी उहदे कपड़े सिड़ दिंदे आ, बिस्तरा सिड़ दिंदे आ, जे सोना पाया होवे तां ला लैंदे आ। कपड़े सिड़ दिते, बिस्तरा सिड़ दिता है, सोना पाया हो गया वह ला लिया है। महाराज कहिंदे ये संसार का स्वभाव, उच कुछ नहीं बढ़िया। संसार का स्वभाव राजा आनंद कहिंदे कृपा करके दसो। राजा आनंद बहुत अच्छे चित्रकार से, जिदा परमार्थी जी है वह बड़ी अच्छी चित्रकारी करते। वाल्मीकि महाराज जी कहिंदे संसार का स्वभाव तुहानू दसदे हैं, इस संसार दे विच सप बेचने शुरू कर दो। सप स्नेक्स, सप बेचने शुरू कर दो। कहिंदे इन्होंने ये सोच के लै लेने कि गुआंढियां दे छड्डांगे, ये संसार का स्वभाव है। वह कहिंदे सप बेचने शुरू कर दो, इन्होंने फिर भी खरीद लेने, कोई नहीं गुआंढियां दे छड्डांगे। महाराज जी कहिंदे ये संसार का स्वभाव है। फिर राजा आनंद बड़े अच्छे चित्रकार से, वाल्मीकि महाराज जी ने उन्होंने चित्र बनाने लिखा। उन्होंने एक चित्र बनाया, पूरा चित्र बनाता है। भगवान वाल्मीकि जी नूं कहन लगे कहिंदे पिता जी चित्र बन गया। महाराज जी कहिंदे हुणे चित्र दे नीचे लिखो, अगर इसमें कुछ भी गलत लगे, अगर इसमें कुछ भी गलत लगे तो उस पर निशानी लगा दो। महाराज जी ने कहा भी एक चित्र बनाओ, चित्र बनाता। जो बनया कहिंदे इहदे नीचे लिख दो, अगर इहदे च कुछ गलत लगता है इहदे ते निशानी लाओ। राजा आनंद जी ने बनाता है। हुण वाल्मीकि महाराज जी कहिंदे इह चित्र नूं चौराहे च लगाओ, जिथे बहुत सारे लोग लंघदे होण। राजा आनंद साथियां दे नाल गए, उह चित्र नूं चौराहे च लगा दित्ता। दूसरे दिन दी प्रभात होई सवेर, लोग नंगन लगे। एक मेरे वर्गा आया जिन्हों लगता मैं बहुत समझदार है, चित्र देखे बड़ा सोहना है, नीचे लिखे है अगर इसमें कुछ गलत लगे तो उस पर निशानी लगा दो। उत्थे चौक चक्या, निशानी लाती कि यह गलत है। दूसरा आया उन्हें चित्र देखे थले लिखे इस कुछ गलत लगता निशानी लाओ, उन्हें भी निशानी लाती। तीसरे ने भी, चौथे ने भी, एक एक करके इन्नियां निशानियां लातियां फोटो दे उपर जगह नहीं रही। दूसरे दिन दी सवेर होई, वाल्मीकि महाराज जी ने राजा आनंद नूं कहा कि चित्र नूं देख के आओ।
राजा आनंद गए, चित्र नू देखिया मायूस होए, मैं सारा ही गलत बनाया, इन्हियां निशानियां लातियां, उतार के वाल्मीकि महाराज जी दे कोल ले। महाराज जी नू कहन लगे, पिता जी मेहनत असफल हो गई, लोकां ने सारियां ही गलतियां करतियां, मैं गलत ही बनाया। महाराज जी कहिंदे, संसार दा पता लगा है स्वभाव की है? कहिंदे नहीं जी, पिता जी नहीं पता लगा। महाराज जी कहिंदे, इहनू साइड ते रखो, दूजा बनाओ, इदां दा हू बहू सेम। वाल्मीकि महाराज जी दे कहण ते राजा आनंद जी ने दुबारा बनाया चित्र। जदों बन गया, कहिंदे पिता जी बन गया। कहिंदे हुण इहदे नीचे लिखो, अगर इसमें कुछ भी गलत लगे तो उसको ठीक कर दो। हुण इहदे थल्ले की लिख दिता, इच कुछ गलत लगदा ते उहनू ठीक कर दिओ। आनंद जी ने लिख दिता। वाल्मीकि महाराज कहिंदे, इहनू उत्थे ही लगाओ जिथे पहले वाला लाया सी। राजा आनंद गए साथियां दे नाल, उत्थे लगाता। दूसरे दिन फिर प्रभात हुई, लोग जाने शुरू हुए, देखिया चित्र बड़ा सोहना है, थले लिखिया है इहदे च कुछ गलत लगदा ते उहनू ठीक कर दो। बस सही वट लिया। दूसरा आया, देखिया चित्र बड़ा सोहना है, थले लिखिया कुछ गलत है उहनू ठीक कर दिओ, उह भी पासे नू हो गया। तीजा भी, चौथा भी, किसे ने छेड़िया ही नहीं। दूसरे दिन वाल्मीकि महाराज जी ने दुबारा किया आनंद नू, कहिंदे चित्र देख के आओ। राजा आनंद गए, चित्र देखिया, बड़े खुश होए, उतार के फटाफट वाल्मीकि महाराज जी दे कोल ले आए। ते वाल्मीकि महाराज जी नू कहिंदे, इस वार तां किसे ने छेड़िया ही नहीं। महाराज जी कहिंदे, संसार दे सुभाव दा पता लगा? राजा आनंद कहिंदे, जी हले पता नहीं लगा। महाराज जी कहिंदे, सामने रखो, सामने रखता। कहिंदे दूसरा भी लियाओ, वह भी सामने रखता है। कहिंदे पहले वाले दे नीचे की लिखिया? वह कहिंदे, जो दे नीचे लिखिया है, अगर इहदे च कुछ गलत लगता है इत्ते निशानी लाओ। कहिंदे देखिया फिर किन्नियां गलतियां कढ़दियां। कहिंदे बेटा दूजे नीचे की लिखिया है? कहिंदे उहदे नीचे लिखिया है, अगर इहदे च कुछ गलत लगे तां उहनू ठीक कर दिओ। कहिंदे पुत्र, यही संसार दा स्वभाव है, ये गलतियां कढ़ सकदे है, ठीक नहीं कर सकते, ये सिर्फ गलतियां कढ़ सकदे है। फिर इत्थे उहनां दा इक श्लोक है, इंसान दूसरों की कमियां ढूंढता ढूंढता अपना पूरा जीवन गुजार देता है, कभी भी किसी के एक गुण को जानने के लिए अपनी जिंदगी का एक पल भी नहीं लगाता। कहिंदे सारी जिंदगी असी कमियां लभदे रहने एक दूजे दीआं, जदों भी असी किसे नूं नोट करना इच कमी केड़ी है, यही नोट करनी। महाराज कहिंदे, हर बंदे च ज्यादा नहीं तां इक गुण तां हुंदा ही है। कोई है संसार च जिच एक भी गुण ना होवे? इदां दा हैगा कोई? एक गुण तां हुंदा ही है ना किसे ना किसे च। पर महाराज जी कहिंदे, तुसी नोट की करना है? कमी। तुसी दूसरे नूं नोट कीता है? कमी। तीसरे नूं नोट कीता है? कमी। एक एक करके 50 लोकां दीआं कमियां नोट कीतियां, तुहाडे च की आया? तुहाडे को 50 कमियां हो गईआं। पर उह कहिंदे, जे तुसी 50 लोकां दीआं कमियां छड्ड के एक एक गुण नोट कीता हुंदा, तुहाडे को की आना सी? 50 गुण आ जाणे सी, तुसी गुणवान हो जाणा सी। ते वाल्मीकि महाराज कहिंदे, असी सारा जीवन कमियां लभदे रहिंदे, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਵਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵਾਣ।